जय हिंद दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद जेसीओ वार एक्स सर्विसमैन को ये नौकरी करनी चाहिए जिसमें कि पे प्रोटेक्शन हो, और ये वैकेंसी निकल चुकी है। बता दें कि 2859 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसके लिए जो वैकेंसी निकली हुई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की निकली हुई है। इसमें जॉब सिक्योरिटी की नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है। सिक्योरिटी ड्यूटी नहीं करनी है। इसमें 10th पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी भूतपूर्व सैनिक के लिए, और पे प्रोटेक्शन भी इसमें लागू है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं और कैसे अप्लाई किया जाएगा, पूरा डिटेल इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, शॉर्ट नोटिस है। इसका अभी पूरा नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन इसमें डिटेल दे दी गई है। जो वैकेंसी निकली हुई है पोस्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की निकली हुई है, तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएफओ में वैकेंसी है। ईपीएफओ जो ईपीएफ कटता है, एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको पोस्ट का नाम डालना होगा, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर वही भरे जो स्टेनोग्राफर जानते हैं। इसके बाद बता दें प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है। इसके लिए बता दें कि ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो पोस्ट का डिटेल देख लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट है 2674 पोस्ट है, यानी कि 2674 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें वैलिड है। 18 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। पे लेवल 5 से इसकी स्टार्टिंग है, यानी कि जो आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर हो रहे हैं उनको पे लेवल 5 से शुरुआत की जाएगी। जो सैलरी रहेगी 29,200 से 92,300 रुपए सैलरी रहेगी। दूसरी जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है वो भी बता देते हैं। स्टेनोग्राफर की 185 पोस्ट है। 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्किल होना चाहिए, आपको स्किल आना चाहिए, यानी कि स्टेनोग्राफर की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसमें जो अप्लाई करेंगे 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगी। पे लेवल 4 मिलेगा 25,500 से 81,100 रुपए। पे प्रोटेक्शन इसमें भी लागू है। इसमें बता दें कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को किसी तरह की फीस नहीं देनी है। बाकी कैंडिडेट को 700 रुपए की फीस देनी है। रिजर्वेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा, यानी कि एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन मिलेगा 10% कोटा उनका है, तो टोटल पोस्टों में 10% वैकेंसी निकलेंगी। इसके फॉर्म 27/3/2023 से फॉर्म भरे जाएंगे, 26/4/2023 से भरे जाएंगे, यानी कि 27 मार्च से 26 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरेंगे, लेकिन अभी इसकी डेट नहीं आई है और फुल नोटिफिकेशन भी आना बाकी है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा उसकी डिटेल वीडियो बना देंगे, तो फॉर्म भी कैसा भरा जाएगा उसका भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। थैंक यू। जय हिंद।